चेतावकाधीश। तो शनिवार 4 फरवरी के लिए है रीडिंग एंड हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है भाई, हमने चुने हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 ओरेकल और 1 टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो एंड चुनते हैं 8 टैरो कार्ड्स। ठीक है, 1, 2, ओके 2 कार्ड्स आ गए, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7 एंड फाइनली 8। चलो भाई 8 कार्ड्स तो आ गए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, फिर जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर आता है द हाई प्रिस्टेस, फिर आ गया है 9 ऑफ वंड्स, फिर आ गया है द एम्प्रेस, फिर आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड फिर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम बात करते हैं राशियों के तो यहाँ पे है कप्स, पेंटाकल्स, वंड्स एंड सोर्ड्स, तो 12 की 12 राशियाँ हैं, साथ में 2 मेजर अरकाना भी है। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। अगर हम इस कार्ड को ही प्रथम स्थान पर देखें तो पहले ये पर्सन काफ़ी खुश है, रिलैक्स्ड एंड हैप्पी है। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को खुश रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये पर्सन ने शायद बहुत अच्छा ड्रीम देखा है जहाँ पे उसकी ड्रीम फैमिली कंप्लीट हुई है, या फिर ये बहुत ही सुकून से जी रहा है, उसके हिसाब से अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। सुबह सुबह का वक्त है, ये पर्सन काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे थाट्स है इसके मन में, काफ़ी अच्छी वाइब है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि जिसको अभी हम प्यार करते हैं वो हमसे लड़ते नहीं, एक दिन हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा दिन है, या फिर एक दिन सब कुछ हमारे ही साइड से होता है। बिल्कुल वही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, कब्स है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन है, तो इमोशंस भी काफ़ी कंट्रोल्ड है एंड ये पर्सन काफ़ी सुकून से जी रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। साथ में ही बात करते हैं एस ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन शायद काफ़ी अच्छे से घुल मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी दोस्ती भी इसकी हो रही है। अगर हम इस पर्सन की बात करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं जो इसको आजकल सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड भी महसूस कर रहा है। वह अगर हम बात करें तीसरा कार्ड जो वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पर्सन जिस भी व्यक्ति की ज़रूरत है उसके बारे में सोच रहा है। अगर हम बात करते हैं आप दोनों की तो ये पर्सन आपको तवज्जो दे रहा है, आपके बारे में बिल्कुल सोच रहा है एंड ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है बिकॉज पहले से ये पर्सन खुश है। अगर हमें दोनों कार्ड देखें तो खुशी की वाइब यहाँ पे हमें दौड़ती हुई नज़र आती है, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्ड है वो है दी हाई प्रिस्टस एंड ये कार्ड हमें आप दोनों की इम्पोर्टेंस दिखाता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है तो बिल्कुल नहीं, ये आपको ट्रस्ट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है, लेकिन उसको भी जानना है कि उनके भी नसीब में क्या लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि आप क्यूरियस हो वैसे भी वो ही क्यूरियस है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है भाई 9 ऑफ वंड्स एंड यहाँ पर हम कह सकते इस पर्सन को वेट करने की ज़रूरत है। ये पर्सन कई या कुछ मामलों में जिम्मेदारियों से जल्दबाजी कर सकते हैं लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही हो सकता है, तो इसलिए इस पर्सन को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए भी काफ़ी सही है। हालांकि जो इनके लिए कार्ड आ गया है वो है दी एम्परर, ठीक है, एरीज का साइन है, तो एम्पर का मतलब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली उसे काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से इस पर्सन का अनुभव शायद कम पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को अभी लग रहा है कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग दैट इज़ नॉट, तो ये चीज़ उनको ध्यान में रखनी होगी। थोड़ा सा मेल ईगो भी हमें यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे पर्सन जो है थोड़े से ईगो के साथ हैं, जब ये ईगो क्लियर हो जाएगा तो अल्टीमेटली पर्सन की फीलिंग्स है वापस से पहले जैसी हो जाएगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी सी 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो 2 कार्ड है जो अंत में हमें मिले हैं ये और कुछ नहीं है, ये उनको लग रहा है कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अगर अपने तरीके से कम्युनिकेशन ना हो पाए तो शायद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो अगर ये जो चाहते हैं आपसे बात करना नहीं अगर हो पाया है, तो कोई ना कोई बहाना चुन सकता है कि नहीं मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, सडनली मेरा काम इतना बढ़ गया कि मुझे कॉल कट करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पर्सन काफ़ी अच्छे मूड में है, एंड आपका जवाब नहीं अगर आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो जो आप चाहोगे ये पर्सन उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है, और अब देखते हैं कि इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो भाई 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। भाई जो पहला कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है रिलैक्स, आई रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स। थर्ड जो कार्ड है वो जनरोसिटी, आई एम अबुंडेंट लव। थर्ड जो कार्ड है वो है यूनिकनेस, आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है हार्ट, आई अलाउ लव टू लीड। अगर हमें पांचों कार्ड देखें तो टैरो का बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ गया है, ये पर्सन अभी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई जो आपने चाहा था वो हो रहा है, एंड मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं, एंड जो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो यहाँ पर दौड़ रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कोई पर्सन हमें बताए कि कैसे फील करना है हैप्पीनेस, पर अल्टीमेटली अभी काफ़ी अच्छा हैप्पीनेस हमें देखने को मिल रहा है, जो फीलिंग उनके थ्रू भी हम महसूस कर सकते हैं। जो सेकेंड कार्ड है वो है रिलैक्स, एंड वी कैन फील कि भाई ये पर्सन रिलैक्स है अभी, बिकॉज ऑफ दैट इसकी खुशियों का जवाब नहीं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हमें देखने को मिल सकता है। जो थर्ड कार्ड है वो जनरोसिटी, एंड कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि सब मुझे प्यार करते हैं, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे आप हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन रिलैक्स मोड में है। जो फोर्थ कार्ड है वो है यूनिकनेस, आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर, मतलब ये पर्सन अपना खुद का नेचर एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो फाइनल कार्ड है भाई वो है हार्ट, आई लव लव टू लीड। तो ये पर्सन कह रहे हैं भाई मुझे बस अपनी ज़िंदगी सुकून से जीनी है, एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी इमैच्योरिटी है इस पर्सन में तो आप जल्द से जल्द भाग जाओगे, ठीक है। और अब देखते हैं इस थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली 5, ठीक है। तो पांच कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, जो पहला कार्ड है वो है लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। सेकेंड जो कार्ड है वो है इट हैज नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। थर्ड जो कार्ड है वो है हू सीक्स शैल फाइंड। फोर्थ जो कार्ड है वो है लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। एंड फिफ्थ कार्ड है टुडे इज अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। टैरो का ही रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमने जो पहला कार्ड देखा कि भाई लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर, तो ये पर्सन काफ़ी खुश है कि जो उसको चाहिए उसके साथ हो रहा है, यू नो जो भी जिनको भी ये प्यार करता है वो सभी इसके पास है, इसको प्यार कर रहे हैं, इसको जवाब देते हैं, तो ये उसको काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड कार्ड है वो है इट इज़ नेवर टू लेट, तो हाँ कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भी मैं भी अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा सकता हूँ, जो कि उनके लिए काफ़ी सही बात है। जो थर्ड कार्ड है वो है वू सिक्स शाल फंड, मतलब कि अगर कोशिश करनी है तो कोशिश करो और आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद कोई और भी है जो इनको सपोर्ट कर रहा है या फिर कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। ओके, जो फोर्थ कार्ड है भी वो है लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट, मतलब ज़िंदगी में बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, अब अगर ये अच्छी चीज़ के साथ हो रही हैं तो इस पर्सन ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आई थिंक कहीं ना कहीं आ गया है फ्रॉम देयर ओन किस्मत कि भाई ज़िंदगी को इन्जॉय करो, ज़िंदगी के बारे में कंप्लेंट ना करो। एंड जो फाइनल कार्ड है टुडे इज़ अ ब्लैंक पेज, मतलब आज का दिन काफ़ी खास है, आज आप क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे तो आप बहुत अच्छा तरीका ढूंढ सकते हो या फिर यू नो डायरी को ब्लैंक ही रख सकते हो। तो ये उनके लिए हैं, आपके लिए भी हैं कि आप आज के दिन क्या सोचते हैं एंड कैसे आप अपने को खुश रखते हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट, सी यू नेक्स्ट।